हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे हिजामा कर सकते हो बाल के साथ, मतलब गंजा नहीं होना है। जो गंजा नहीं होना चाहते उन लोगों को मैं बताऊंगा कि वो कैसे हिजामा कर सकते हैं। वैसे बेहतर है कि आप गंजा हो के कराओ, क्योंकि गंजा हो के कराओगे तो कप जो है ना हर जगह लगा सकते हो, और अभी जो मैं बताऊंगा इसमें कुछ ज़्यादा कप नहीं लगा पाओगे। इसमें होता है क्या, साइड में जो ये खाली होता है ना, यहाँ पे एक कप लगा सकते हैं और एक कप यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी जगह पे लगाओगे तो उससे क्या होता है कि आपके बाल बाल की वजह से एयर बन नहीं पाता, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट नहीं हो पाता, इसकी वजह से कप गिर जाता है। तो आपको क्या करना होगा, दो तरीके से आप हिजामा कर सकते हो बाल के साथ। एक तो आप सिंपली हिजामा के कप ले लेना, कप और वैक्यूम क्लीनर को लगा के उसके बाद यहाँ पे पहले लगाएंगे जो खाली एरिया है इसमें लगाएंगे। दो मिनट, जैसे कि ये बड़ा कप है तो ये नहीं लग रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे छोटे कप को लगाना है। तो मेरा बड़ा कप नहीं लग रहा है तो मैं छोटे कप को लगाऊंगा। इस तरीके से लगा देना है, क्या है ना कि ये गिर जाता है। तो आपको क्या करना है ना कि इसको लगा के उसके बाद अपने हाथों से इसको पकड़ के रखना है। उसके बाद फिर जैसे लगे कि इसमें क्या वैक्यूम खत्म हो रहा है तो आप उसी टाइम में ना फिर से इसमें वैक्यूम डाल दो। ऐसे ये पकड़ लिया तो यहाँ पे क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ के रखना है, ऐसे पकड़ के रखना है जब तक ब्लड आ रहा है। उसके बाद इसके अंदर से जैसे वैक्यूम ख़त्म होने लगे ना, तो उस टाइम में इसको फिर से लगा के ऐसे ऐसे कर देना है, ऐसे रखना है। और फिर जाके आपका जब ब्लड निकलने लगे तो आप निकाल के हटा दो। बहुत से लोगों को होता है क्या कि एडजस्ट हो जाता है, कुछ लोगों का एडजस्ट नहीं होता। तो एडजस्ट ना होने की वजह से आपको क्या करना है, इसको बार बार ऐसे पकड़ के प्रेशर इसके अंदर बनाना है। जैसे लगे कि प्रेशर कम हो रहा है वैसे ही आपको इसमें प्रेशर बना देना है, बस इतना सा करना है। इसी तरीके से आप इसको इस साइड में भी लगा सकते हो, इस साइड में भी इसी तरीके से लगाना है। और अगर गिरने लगे तो फिर बाद में हाथों से पकड़ के रखना है, इसी तरीके से लगाना है, फिर लगाना उसी टाइम में फिर से लगाना, दो मरतबा ब्लड को निकालना। और तीसरा जो होता है, जहाँ जहाँ पे खाली हो ना, आपके हेड हेयर ना हो, वहाँ वहाँ पे कप लगा लेना, ईजिली वहाँ पे लग जाएंगे। बाय द वे, अगर आपके बाल हैं मेरी तरह तो आप कप नहीं लगा पाओगे बीच में, तो यहाँ पे पता है क्या करना है, यहाँ पे आप शेविंग वाली जो क्रीम या फोम आती है ना उसको लगाकर उसके बाद कप को लगाना है। उसके बाद लगाओगे कप को तो बड़े आसानी से लग जाएगा, वो गिरता नहीं है, कप गिरेगा नहीं। तो आप अगर करना चाहो तो इसी तरीके से कर लो। फिर अगर कोई इसी तरह का दिक्कत आता है तो आप मुझे कॉमेंट करो, मैं आपको जवाब दूंगा। एक बात बता दूं भाई, हिजामा से कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट मिलता है, और करके देखो उसके बाद बिलीव करना। डॉक्टर के पास जाना चाहते हो जाओ, डॉक्टर से कराओ, अच्छी बात है। नहीं करा सकते तो खुद से कर लो, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। अगर होती परेशानी तो मुझे होता ना भाई, तो किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होता। तो दोस्तों, आपको ये हिजामा जब भी करना है तो ये याद रखना है कि 3 घंटे पहले नहीं खाना है, नहीं 3 घंटे बाद कुछ खाना है, 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। उसके बाद भी अगर कुछ खा रहे हो आप तो हेवी नहीं खाना है, थोड़ा बहुत ही खाना है, जिससे होता है क्या कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो नीचे को ना जाए, वो ऊपर ही रहे। ज़्यादा खाना खाने के बाद क्या होता है, ब्लड का सारा सर्कुलेशन नीचे आ जाता है, खाना हजम करने में लग जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि ब्लड का जब भी हिजामा करो तो 3 घंटे पहले नहीं खाना है और 3 घंटे बाद में भी नहीं खाना है, उसके बाद खाओ। और ये इसको लगाने के बाद, हिजामा करने के बाद जो कट होते हैं ना, वहाँ पे ना आप कुछ लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बोरो प्लस आते हैं ना वो लगा लेना बस, और कुछ मत लगाना। और ना उसे पानी से धोना है और ना ही उसे
किसी भी चीज़ से नहीं धोना है ना उसमें किसी चीज़ को लगाना है, बस आपको अगर ज़्यादा कुछ लगाना चाहते हो अगर तो आप वही बोरो प्लस होते हैं ना उसको लगा लो, उससे वो ठीक हो जाएगा। वैसे मैं तो लगाया नहीं हूँ, ऐसे ही ठीक हो जाते हैं 2 से 3 दिन में, खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। अब कुछ लोगों का होता है कि हिजाम आप कर रहे हैं, कप लगा रहे हैं, उसका ब्लड नहीं आ रहा, तो उन लोगों को ना वो जो कट लगा रहे हैं ना तो सही से नहीं लग रहा उनका कट, उनको क्या करना है थोड़ा सा बढ़ा के लगाना है। होता है क्या कि उनके बल्ब ना थिक ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा मोटे ब्लड हो जाते हैं, यहाँ पे जम जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा जो माइनर सा कट डालते हैं ना तो नहीं निकलता है। तो आपको क्या करना है थोड़ा सा बड़ा कट लगाना है, इससे होगा कि ब्लड आना शुरू हो जाएगा। और देखो करके अगर किसी तरह का फिर कोई दिक्कत होता है आप लोगों को तो आप मुझे कॉमेंट करो, मैं आपको जवाब दूंगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तक के लिए बाय एंड टेक केयर।